हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो कि भूतनी बनी बैठी है और ये मैं हूँ। तो आज मैं इसके ऊपर एक पार्टी लुक दिखाने वाली हूँ। तो अगर मेकअप पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले स्किन को प्रेप करना ज़रूरी है, तो मैंने फेशियल ऑयल लेके स्किन में अच्छे से प्रेस कर दिया है क्योंकि स्किन ड्राई है इसकी। इसके बाद मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। तो हर प्रोडक्ट के अंतराल आपको 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम देना चाहिए ताकि जो भी प्रोडक्ट हो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है टी जोन एरिया को फोकस करते हुए ताकि मेकअप लॉन्ग लास्ट करे, ओपन पोर्स से वो भी मिनिमाइज हो जाए। फाउंडेशन के लिए ममाअर्थ का ये सीरम यूज़ किया है जो कि बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है। आप इसे डेली बेसिस के लिए यूज़ कर सकती हैं। देन डाइम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैबिंग मशीन में ब्लेंड कर दिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं गाँव में हूँ, आंगन में बैठी हूँ, यहाँ कोई भी फैन वगैरह नहीं चल रहा है। गर्मी में मैं ये मेकअप कर रही हूँ इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मेकअप करने में। इसके बाद कंसीलर मैंने लिया है और इसे भी अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। आई थिंक मिलानी का कंसीलर था और अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, माउथ एरिया अप्लाई किया है। देन क्रीम कंटूर यूज़ कर रही हूँ Forever 52 का, तो इस तरह से ड्रॉ करूंगी। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसे भी डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर दूंगी। तो कोई भी प्रोडक्ट, क्रीम प्रोडक्ट है, उसको अच्छे से टाइम दे के ब्लेंड करिए। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतने अच्छा आपका बेस बनेगा, फ्लॉलेस बेस बनेगा। इसके बाद मैंने क्रीम ब्लश लिया है और इसको भी अप्लाई करके एक ब्रश से ब्लेंड कर लिया। तो जो भी क्रीम प्रोडक्ट है पहले कर लीजिए, इसके बाद पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करिए। देन अब मैं लूज पाउडर ले रही हूँ। इस तरह से लगाने के बाद अंडर आई एरिया जो लाइन पे अप्लाई करूँगी इस तरह से। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूंगी। तो उसके बाद मैं अपने इसके ब्राउज को फिल करने वाली हूँ। तो पहले पुली की हेल्प से कॉम कर लूँगी, देन बेनिफिट का ये ब्रो पोमेड लेकर एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसे फिल कर लूँगी। फिल करने के बाद पुली की हेल्प से कॉम करके सेट कर दूंगी। कॉम करने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी नेचुरल फिनिशिंग आ जाती है। देन लूज पाउडर के एक्सेस पाउडर को रिमूव कर दिया है। स्विस ब्यूटी का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे लेके पूरे फेस पे स्प्रे कर दूंगी और जितना मेकअप अभी तक हुआ है अच्छे से सेट हो जाए। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैबिंग मोशन में डैब डैब कर दूंगी। इस तरह से डैब डैब कर देंगे तो जितना भी मेकअप अभी तक हुआ है सेट हो जाए। लाइट ब्राउन कलर लिया है और आई मेकअप पे चलते हैं। इस तरह से कॉर्नर आउटर बी पे फोकस करते हुए पूरे आईलिड पे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर देना है। तो इस अच्छे से आई मेकअप में भी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे से टाइम देके ब्लेंड करिए। देन एक डार्कर कलर लिया है, इसको थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए आउटर वी पे इस तरह से प्लेस करेंगे और उसको अंदर के साइड अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग 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 आई मेकअप में बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए, तभी आई मेकअप अच्छा लगता है। देन लोअर लैश लाइन के सेम कलर, लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज भी ब्लेंड कर दिया। ब्लैक कलर लेके 1/3 पे अच्छे से ब्लेंड किया है क्लोज क्लोज। इसके बाद एक सिमरी कलर लिया है, आई थिंक रोज गोल्ड कलर है, और इसको हाफ आईलिड पे इस तरह से प्लेस करूंगी। देन इनर आईलिड पे ही प्लेस किया, उसी जगह पे मैं इस स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो लेके हल्का सा अप्लाई करूंगी ताकि थोड़ी सी सिमरी सा लुक आए, थोड़ा सा ग्लिटरी लुक आए। आप ग्लिटर भी अप्लाई कर सकती हैं। देन विंग आईलाइनर अप्लाई किया है और एक आईलेसेस अप्लाई किया। आईलेसेस मेरे पास थोड़ा सा थिन वाला नहीं था इसलिए, नहीं तो मैं इस वाले लुक में थोड़ा सा लाइट आईलेसेस लगाने वाली थी पर मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा हैवी वाला लगा दिया है। और इसके बाद क्रीम कंटूर को टॉप अप कर दिया है पाउडर कंटूर से। देन ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ब्लश क्रीम ब्लश को भी टॉप अप किया है। हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, तो जितने भी फेस का हाई पॉइंट है उस पर अप्लाई कर दूंगी। टी जो नो जो ब्रिज ऑफ द नोज नोज टिप फॉरहेड। और इसके बाद लिप लाइनर से लिप्स की आउटलाइन करने के बाद एक न्यूट कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि है नायका की लिपस्टिक। आप इसमें पिंक लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ मैंने न्यूट कलर की लिपस्टिक लगाई है। तो काजल के लिए वाइट काजल यूज़ किया है। तो ये देखो इसका फिनिश फाइनल लुक। अभी हेयर स्टाइल वगैरह बना के आती हूँ, अभी थोड़ा सा दिखा देती है। इसके बाद ये है इसका फिनिश फाइनल लुक। मैंने हेयर स्टाइल बनाया है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है तो आपको आगे वीडियो देखने को मिलेंगे कि हेयर स्टाइल मैंने कैसे बनाया हुआ है। तो ये है इसका फिनिश फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये पार्टी मेकअप लुक पसंद आया होगा जो साड़ी के साथ है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।